हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकीज ऑन यूट्यूब चैनल। और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 9.5.30 का अपडेट यहाँ पर शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो को मिल चुका है और मैंने अपना डिवाइस यहाँ पर अपडेट कर लिया है। दोस्तों, जो अपडेट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, 290 MB की लगभग साइज़ यहाँ पर निकल कर आई है इस अपडेट की। और फिलहाल ये अपडेट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और शाओमी के रेडमी नोट 5 यूज़र्स को मिल चुका है। बात करेंगे इस अपडेट की कि क्या कुछ नया निकल कर आया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 9.5.30 यानी कि 30 मई 2019 जो अपडेट कुछ डिवाइसेस को 31 मई को मिल चुका है और कुछ को आज मंडे को 3 जून 2019 को यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहले बात की जाए व्हाट्स न्यू की, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टिमाइजेशन हुआ है मी क्लाउड में, यहाँ पर जो सिंक है उसे यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ इस इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये है हमारी सेटिंग और सेटिंग में आपको नीचे अकाउंट्स में सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मी क्लाउड को ओपन करना है। और मी क्लाउड को ओपन करने के बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको सिंक इन रियल टाइम का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसे यदि आप अनेबल करते हैं तो जो भी चीज़ आपके फ़ोन में ऐड हो जाएंगी वो डायरेक्ट MI क्लाउड पे सिंकिंग से अपलोड हो जाएंगी और वहाँ पर फाइल सेव हो जाएंगी। तो ये एक नई चीज़ इस अपडेट में हमें देखने को मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी स्कैन में जाना है और यहाँ से आप जाइएगा सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको पेमेंट मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट मॉनिटरिंग मॉनिटर सिस्टम एनवायरनमेंट व्हेन पेमेंट ऐप आर स्टार्टेड। तो जैसे ही आपके फ़ोन में कोई भी पेमेंट से रिलेटेड ऐप है उसे ये मॉनिटरिंग यहाँ से कर देगा कि जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहे, किसी और के पास जो आपका डाटा है वो लीक ना हो। इसके अलावा सिक्योर IME यूजिंग सिस्टम इनपुट मेथड इन पेमेंट ऐप। तो दोस्तों, ये भी सेम, ये अपडेट इसीलिए है कि जो आपके जो पेमेंट ऐप हैं उन्हें और इम्प्रूव यहाँ किया जाए और आपका जो डेटा हो वो लीक यहाँ पर ना हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़ा अपडेट ज़रूर था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास आपके लिए यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी पेज लेवल की, तो वो पहले ही अपडेट कर दिया गया था और शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो में ऑलरेडी अप टू डेट यहाँ पर सिक्योरिटी पेज लेवल आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए यहाँ पर कैमरे की, तो कैमरे में आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, ना ही यहाँ पर शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो के लिए 4K रिकॉर्डिंग अभी निकल कर आई है। आने वाले समय में आपको ज़रूर से यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट कैमरे और बैटरी में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है शाओमी के लिए कि शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो में दो अपडेट अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि MIUI से रिलेटेड न्यूज़ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो थैंक यू गाइज आज का वीडियो देखने के लिए।